असली बाप का नाम कोई बोल सकता है? कोई बड़ा मुद्दा उठा, कोई बोल सकेगा? उसका 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 मम्मी का नाम बोल सकता है, लेकिन दीदी का असली बाप का नाम कोई बोल सकता है? कोई रिपोर्टर, कोई कोई ये, कोई दादा, कोई दीदी बोल सकेगा तो हमको 10 लाख रुपया देगा? आप 10 लाख दीजिएगा, 10 लाख चला देगा, 10 लाख है उसका बाप का नाम बोलेगा, हम 10 लाख रुपया देगा। दीदी को बहुत दारू पी लिया, बहुत पैसा ले लिया, बहुत दीदी का दारू पी लिया, पैसा लिए हैं? हाँ, बहुत दिया, बहुत लालच दिया, बहुत लालच दिया। एक सेकंड, खुलासा कर रहे हैं आपकी दीदी दारू बेच देती थी और पैसा देती है? पैसा दिया बहुत, किसके हमको खिलाया, हमको बहुत खिलाया दीदी के। फिर भी हम लोग बहुत देख लिया, हम लोग बहुत देख लिया, उनका खेल देख लिया, उन्हें बहुत खेला खेले दिए जन, और उनका खेला देखते जाए, एक बार विकास देखते जाए, नरेंद्र मोदी मोदी जी का विकास हम लोग देखते जाए। क्यों आज वेस्ट बंगाल में कोई शिल्प नहीं है? क्यों रतन टाटा को सिंगूर से हटाया? क्यों नंदीग्राम से केमिकल हब हटाया? आज हम लोग बेकार है सब। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। फिलहाल आप मेरे पीछे देख सकते हैं वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कार, जिसके अंदर ममता बनर्जी अंदर बैठी हुई है। सारे मीडिया कर्मी इनसे बातचीत कर रहे हैं, और साथ ही मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे लोग जो है वो जय श्री राम का नारा दे रहे हैं। यहाँ पे जो लोग है वो जय श्री राम का नारा दे रहे हैं, सुन सकते हैं कि कैसे जय श्री राम। एक बात बताइए भैया, उधर मुख्यमंत्री है, उनको देखने के बजाय आप लोग जय श्री राम का नारा दे रहे हैं? मेरा लोग आदमी का मारा है, यही मरता है। अच्छा, नंदीराम से, इसी वजह से आप जय श्री राम का नारा दे रहे हैं? जय श्री राम, मतलब एक मुख्यमंत्री की ये हालत कि सारे पुलिस होने के बावजूद, मुख्यमंत्री गाड़ी में जाने के बावजूद, मुख्यमंत्री के यहाँ 10 कदम दूर होने के बावजूद यहाँ पे लोग मुख्यमंत्री के सामने जय श्री राम का नारा दे रहे हैं। असली बाप का नाम कोई बोल सकता है? ये कोई तो बड़ा मुद्दा उठ रहा है, कोई बोल सकेगा? उसका 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 मम्मी का नाम बोल सकता है, लेकिन दीदी का असली बाप का नाम कोई बोल सकता है? कोई रिपोर्टर, कोई कोई ये, कोई दादा, कोई दीदी बोल सकेगा तो हमको 10 लाख रुपया देगा? आप 10 लाख दीजिएगा, 10 लाख चला देगा, 10 लाख है उसका बाप का नाम बोलेगा, हम 10 लाख रुपया देगा। चैलेंज दे रहे दीदी को, चैलेंज करके बोल रहे हैं, उसका बाप नाम, बाप का नाम को बोल देगा, हम 10 लाख वोट दे देगा। एक बात बताइए भैया, इस बार किसको अपना कीमती वोटर आईडी कार्ड है आपके पास? हाँ, मेरा पास अभी देखेगा, दिखाइए, लाए हैं क्या? भूल गए गाड़ी में। मेरा आईडी कार्ड देखना चाहिए, हम गाड़ी का, ठीक है कोई बात नहीं। आप गाड़ी के क्या है? हम गाड़ी का एक कंडक्टर है, कंडक्टर है, कंडक्टर है। गाड़ी के अंदर छूट गया वोटर आईडी कार्ड? नहीं नहीं, हमारा गाड़ी में है, गाड़ी के अंदर है। चलिए ठीक है, इस बार अपना कीमती वोट किसको दीजिएगा? हमारा कीमती वोट असली जगह में फेंकेगा। किस जगह? असली जगह कौन सी जगह? के पास फेंकेगा, मोदी जी के पास। हाँ, मोदी जी का जो खड़ा हुआ उसी के पास देगा। अच्छा, अगर हमारा जान कोई रात में ले लेगा तब भी हम मर के जाके वहीं पे फेंकेगा। हाँ? दूसरा जगह दीदी को नहीं देगा। दीदी को बहुत दारू पी लिया, बहुत पैसा ले लिया, बहुत दीदी का दारू पी लिया, पैसा लिए हैं? हाँ, बहुत दिया, बहुत लालच दिया, बहुत लालच दिया। एक सेकंड, खुलासा कर रहे हैं आपकी दीदी दारू बेच देती थी और पैसा देती है? पैसा दिया बहुत, किसके हमको खिलाया, हमको बहुत खिलाया, हम ऐसा डाले हैं, हम मिठू नहीं, एक छबल में छबल कर देगा, वो नहीं, हमारा नाम है हम ऐसा। एक सेकंड, हाँ, कितना पैसा दी है दीदी, कितना दारू दी है? बहुत दिया, बहुत पिया, अनगिनता। हाँ, अनगिनत का, अनगिनत पानी का, लेकिन अब तक जेल में नहीं गया, सारा घूमता है। अच्छा, एक बात बताइए, आपको वोट देने के लिए टीएमसी कितना रुपया देती थी? टीएमसी अभी अभी नहीं, आप बता रहे हैं ना कि पहले आपको दीदी ने खूब दारू दिया। हमारा खून जैसा है उसी का पार्टी का हम लड़का है। टीएमसी के? नहीं नहीं, हम लाल का लड़का है। अच्छा, सीपीएम का लड़का है। अच्छा, टीएमसी में काम के लिए जबरदस्ती में गया। अच्छा, और ओरिजिनल कांग्रेस का इंदिरा गांधी का लड़का है। बात बताइए, टीएमसी के लड़के हैं काम करते हैं? नहीं, कम्युनिस्ट सीपीएम के लड़के हैं, काम टीएमसी के लिए कर रहे हैं। आपने आके आके ऐसे मोदी जी के पास कैसे आ गए आप? मोदी जी के पास? हाँ। बहुत पेट में दर्द हो गया इसीलिए आ गया। मतलब पेट में दर्द हो गया? हाँ।
मोदी जी। हाँ अच्छा, ऐसा क्या स्थिति हो गया था भैया? 5 साल देखेगा। हाँ उसको 5 साल देखेगा, देखिएगा मोदी जी को 5 साल। हाँ काम करेंगे मोदी, छोड़ देगा, छोड़ देगा। हाँ ठीक है, भागेगा नहीं, छोड़ दे। चैलेंज करके बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ। और जेल में खटने वाला आदमी नहीं है, कोई चोरी करने वाला आदमी नहीं है, कंडक्टर है बिल्कुल, ड्राइवर साहब के साथ करके करता है। इंग्लिश में बोलेगा तो वो भी करता सकता है। इंग्लिश में बोलिए जरा, बोलिए ना आपका, आप बोलिए, आप भाषा बोलिए तब बोलेगा, नहीं तो कैसे बोलेगा? वैसे अगर मैं इंग्लिश में बोलूंगी तभी इंग्लिश में बोलेगा। 10% मिथुन चक्रवर्ती 10% किया था, तब मैं डिस्टर्बेंसर जाके वो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश संभल किया था। उसके बाद आज इंग्लिश मिथुन चक्रवर्ती कोई संभल सकता है? उसको बोलने कोई सकता है? आज बोल रहा है किस लिए, किस लिए बोल? दीदी को इंग्लिश में जरा कुछ बोल के दिखाइए, दीदी को क्या है मन में? सुनिए, दीदी का पास गया था एक बार गया था भीख मांगने के लिए। अच्छा। हमको बोला ठीक है, कैसे भीख इंग्लिश में जरा मांग के दिखाइए, कैसे उस समय दीदी से भीख मांगे थे आप? इंग्लिश में? इंग्लिश में आती है ना अंग्रेजी? नहीं नहीं नहीं, बांग्ला में, हिंदी? नहीं नहीं, बांग्ला में बोल रहा है। दीदीर काछे आमी गेछिलाम एकबार, जस्ट एकबार, कालीघाट उनार बाड़ी थे डायरेक्ट। अच्छा, उनार के, उनके घर में? आप हिंदी में बोलिए भैया, आप हिंदी में बोलिए। अच्छा, उसका घर में गया था। अच्छा। हाँ भीख मांगने गया था एक बार। अच्छा, फिर क्या कहती थी? वो बोला तुम्हारा गांव में जो मेंबर है ना उसको पास चल जाओ, हम फोन करके देते। हमने दीदी भाई आप यहाँ से फोन करो, हमको तो जाते 3 घंटा समय लगेगा वहाँ तक कब तक जाने का ठीक हो जाएगा? तो ना तुम चल जाओ, तुम्हारा हो जाएगा। यहाँ से हमारा मेंबर आया था, मेंबर के पास मेरा बड़ा भाई है। अच्छा। मेरा बड़ा भाई है मानिक जना, वहाँ तक मेंबर था उस टाइम में। उसको आके बोला भैया हमको दीदी तुमको फोन किया, कौन सा दीदी, तू क्या करता है? तू तो लाल का घर का लड़का है। हम बोला लाल तो मेरा खून है, उसके बाद लाल का घर का लड़का कैसे है? मेरा बाप तो लाल है, मैं भी लाल है, उसके बाद लाल क्या चीज है? हाँ हमारा बड़ा भाई बोला, मेरा बड़ा भाई, अपना बड़ा भाई, वो बोल रहा है ना ठीक है, तेरे को बोलेगा तेरे को दे देगा, दीदी फोन जब करेगा हम दे देगा। मतलब दीदी ने धोखा दे दिया आपको पैसे ने? जो धोखा दिया वो किसी के पास, आज आपको मैडम, आप जो रिपोर्टर लेने के लिए आए ना, आज बोल रहा छाती खुल के बहुत दर्द हो रहा है, बोल क्यों हो रहा है दर्द भैया? दीदी के कर्मों की वजह से? हाँ हाँ। अच्छा, और मतलब ये तो हो गया, चलिए दीदी को कोई सिखाने वाला नहीं है, और किसी के पास सीख के आके बोलना नहीं है। मैडम आप आया ना, रिपोर्टर है ना, आप लोग भी बहुत दर्द में है, लेकिन बताया नहीं कभी, आप लोग भी रिपोर्टर बहुत दर्द में है। आंखों से आंसू आ जाएगा भैया अगर इतना आप बोलेगा इमोशनल बात। नहीं नहीं, वो बोलने का नहीं, और कोई है बोलने के लिए बोले, हमारा चैलेंज है। ठीक है चलिए, अब आपसे मैं एक और चीज पूछती हूँ, मोदी जी ने ऐसा क्या आपको भरोसा दे दिया जो आप मोदी जी? अपना दिल है, अपना भरोसा है, वो देगा कि नहीं देगा उसके लिए हमारा बेटी जिएगा, हमारा बेटा जिएगा, हमारा गिन्नी, हमारा वाइफ जिएगा, ये नहीं, हम अपना भरोसा से चलता है, उसको एक बार देख के नचा लेगा। कुछ भरोसा दिए हैं आपको मोदी जी? कुछ नहीं भरोसा दिया, उसके पास से कोई मानी नहीं लिया। मतलब भाजपा ने आपको कोई पैसा नहीं दिया? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, आप वैसे ही सिर्फ भाजपा के समर्थक? हाँ एक बार देख लेगा कितना दिन का, 51 उम्र हो गया। अच्छा 51 साल के हो गए? हाँ हाँ। ठीक है, दीदी का इतना जो अत्याचार बढ़ा इसके पीछे का कारण क्या रहा भैया? दीदी का जो इतना अत्याचार बढ़ा उसके पीछे? इसके पीछे ना उसका भाईपो है, भाईपो। हाँ भाईपो की वजह से सुबंधु को जाजा बोर जाजोज डकात उसको बाप सब कुछ बोल रहा है। हाँ वो क्या क्या चीज क्या बोल रहा है? उसी को तो और नचाया था, वो नचाया था ना, उसी को लिए और तो लेके लिया, भर्ती किया था ना, वो उसको लेके नचाया, आज वो भाग के आ गया, बोल के हो गया। एक और बात बताइए भैया, अभी दीदी जो यहाँ से जा रही है नंदीग्राम से, क्या कारण है कि दीदी जा रही है नंदीग्राम से? नंदीग्राम आया था प्रचार करने का, सबको बोल रहा साइकिल दे दिया, साइकिल तो हमारा यह जमा था, साइकिल तो लिया था, रोड तो हमारा बाप का अमल का रोड है, वो क्या दिया? दीदी को नंदीग्राम से नहीं जीत मिल रही है, एक भी बूंद नहीं मिलेगा। अच्छा क्यों, कारण क्या है जो हार रही है? क्या है यही कारण है? क्या कारण है जो हार? यही कारण है, वो जो कारण सबको नचाया था। ठीक है, मतलब नाचने वाला आदमी नहीं है, बहुत नाच लिया, बहुत हंगामा कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, अभी डांस देखेगा और नोईपुर हंगामा करेगा। हाँ असली हंगामा अभी करेगा इस बार। हाँ हंगामे में क्या करिएगा? हंगामा में जो डांस आप नहीं देख सकते वो डांस हम करा के दिखा देगा। दीदी को देखते ही जय श्री राम क्यों कहते हैं? पहले भी कहते हैं दीदी का पाँव में दर्द है ना, दीदी का पाँव में दर्द है ना, जय श्री राम नाम सुन के
उनका पा का दर्द ठीक हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों ने जश्न, इसीलिए हम लोग चाहते हैं वो उनका पा ठीक होना चाहिए हम लोग। ये नाटक है, नाटक अच्छा नहीं लगा। अच्छा एक बात बताइए, आपके सामने से मुख्यमंत्री गई, कैसा लगा मुख्यमंत्री को देख करके? ये देख करके हम लोगों के गांव में जाला उठ आ रहा है। अच्छा। क्यों इतना बेकार, इतना बेकार आज क्यों मदन में? इतना बेकार क्यों राज्य में? कर्म संस्थान कहाँ है? कहाँ है शिल्प? कहाँ है उनका प्रतिश्रुति? सीधा सीधा आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं इस बार? हाँ बताइए, इस बार आप उनसे सीधा सीधा सवाल कर रहे हैं कि कहाँ है शिल्प, कहाँ है शिल्प? एकदम सीधा ही पूछना चाहिए। लेकिन उधर दीदी तो कहती है खेला हो बे, दीदी तो कहती है इस बार बीजेपी आएगा, इस बार बीजेपी आएगा, कर्म संस्थान मेला होबे, विकास होबे, सबाई चाकरी पाबे। अगर ममता जाएगा ना तो हम लोग का इधर विकास आएगा, बांग्लादेश अगर अगर उसको यहाँ से हटाएगा तो हम लोग का विकास आएगा। दीदी पहले क्या बोला, नंदीग्राम का जनता मेरे को मार दिया, ये माथा में मारा, बहुत हिंदी बात बताया उस समय, मेरे को ठेल दिया, घुस दिया, चार पांच आदमी मार दिया। उसके बाद क्या बोला, जब निर्वाचन कमीशन बोला क्या तदंत के बाद रिपोर्टिंग चाहिए, तब तक दीदी क्या बोला, नहीं नहीं भीड़ है, वो गाड़ी का गेट में मेरा लग गया। तो नंदीग्राम का मानुष क्या बेईमान है? बेईमान है क्या? मतलब आप कहना चाहते हैं कि नंदीग्राम के लोगों को बदनाम करने की कोशिश की है दीदी? यस यस यस। और उससे आप लोग नाराज हैं? नाराज है। ठीक है, इस बार दीदी को किन मुद्दों पे वोट देगी नंदीग्राम की जनता, मतलब आप लोग? कोई नहीं, दीदी को वोट, दीदी के फिर भी हम लोग बहुत देख लिया, हम लोग बहुत देख लिया उनका खेल, देख लिया उन्हें बहुत खेला खेले दिए जन, और उनका खेला देखते जाए, एक बार विकास देखते जाए नरेंद्र मोदी, मोदी जी का विकास हम लोग देखते जाए। नंदीग्राम में आप लोग दीदी को तो वोट नहीं दीजिएगा, ठीक है, आप लोग भाजपा को किन मुद्दों पे वोट दीजिएगा इस बार, मतलब शुभेंदु अधिकारी को किन मुद्दों पे जिताइएगा इस बार? 21 स्टेट में है भाजपा, आज केंद्रीय प्रकल्प जो आयुष्मान भारत, क्यों हम लोग नहीं मिला, क्यों क्यों नहीं मिला हम लोग? आज कृषक सम्मान निधि क्यों हम लोग नहीं मिला? क्यों आज वेस्ट बंगाल में कोई शिल्प नहीं है? क्यों रतन टाटा को सिंगूर से हटाया? क्यों नंदीग्राम से केमिकल हब हटाया? आज हम लोग बेकार है सब। लेकिन अभी आपने कहा कि नंदीग्राम से केमिकल फैक्ट्री क्यों हटाया, इसीलिए तो पहुंची थी यहाँ पे दीदी नेत्री बनके कि केमिकल फैक्ट्री हटाया, किसानों के हित में बात की, इसीलिए तो यहाँ पे नेत्री बनी थी वो। उस समय दीदी सब नाटक किया, आज जो नाटक कर रहा है ना, पा भंगे जो नाटक, उस टाइम भी एक नाटक किया, वैसे ही नाटक। उस समय कौन सा नाटक किया था दीदी ने? दीदी मैं बोला था क्या, ये केमिकल हब होने के लिए, ये केमिकल हब होने के लिए और का जो पेट्रोलियम जो गैस होगा सब आदमी मर जाएगा, पॉल्यूशन का उस समय डर दिखाया, पॉल्यूशन होगा, तो इसके बाद अच्छा अच्छा कारखाना होगा, कर्म संस्थान जरूर होगा, तो वो सब उसी टाइम का मैटर थोड़ा अलग था। उस टाइम मतलब शिल्प आने के लिए नंदीग्राम आदमी सोच रहा है ठीक है शिल्प आओ, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम जो यही है जो पहले आदमी का रहने के लिए बंदोबस्त करना चाहिए था सरकार को, जो था पहले अपना एम पार्टी का जो सरकार था, उसी टाइम सरकार था अपना बुद्धदेव भट्टाचार्य जी का, तो उसी टाइम क्या अपना काटा ज्यादा करके काटा जमीन लेने के लिए वो लोग कोशिश किया था, उसी टाइम भूमि उच्छेद कमेटी बनाया था, उन्होंने मना किया है, और अपना केमिकल हाफ करने के लिए क्या कोई शिल्प आने के लिए मना नहीं किया? ठीक है, अच्छा आप एक बात बताइए, इस बार दीदी को देखते ही लोग जय श्री राम का नारा क्यों देने लगे जैसी दीदी यहाँ से गुजरी? देखिए मुझे तो ऐसा लगा कि दीदी को वो सुनाना चाहते थे कि अब हम डरते नहीं है आपसे, इस बार हम खुल के जय श्री राम बोलेंगे। ठीक है, जय श्री राम कोई अपना, हम लोग सब सनातन धर्म का आदमी हूँ, उसमें जय श्री राम हम लोग भगवान का नाम ले रहा हूँ, दीदी हो तो अपना हिंदू है, वो तो ब्राह्मण परिवार का आदमी है, उसको तो जय श्री राम इतना नाराज क्यों होता है? और एक सबसे बड़ी बात है, आज का दिन में जो आप लोग क्या बोलते हैं टीवी में देखा है, जो पहले बोला था 2007 साल में सीपीएम पार्टी ने अपना चप्पल पहन के अपना पुलिस को भेजा है, घुसाया नंदीग्राम में, और आज का डेट में को बोल रहा है कि जो हमारा दादा ने और अपना शिशिर अधिकारी ने नंदीग्राम चप्पल में भेज के अपने पुलिस को घुसाया, ऐसे हो सकता है क्या कभी भी? ये आरोप लगा रही है ममता दीदी कि पुलिस की वर्दी पहन करके बीजेपी के लोग जा रहे हैं बूथों के अंदर, क्या कहिएगा इस पे? क्या मैडम? दीदी ये आरोप लगा रही है कि पुलिस की वर्दी पहन करके भाजपा के कार्यकर्ता लोगों के बीच में जा रहे हैं। उसी टाइम दीदी तो अभी कौन सा चीज आपने, आप देखिए आज 10 साल अपना मुख्यमंत्री में नवन्ना में बैठा हुआ है, आज से कितना दिन आप सच बोल रहे हैं बताइए? दीदी अभी जो बोल रहे सभी तो झूठी के झूठी बोल रहे हैं। अच्छा ये दीदी को झूठ बोलने की जरूरत क्यों आन पड़ी भैया? उसमें क्या वो झूठ बोलने के, वो बोलता मैं झूठ का अपना सेवा दे रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं, सच का सेवा नहीं दे रहे, झूठ का ही सेवा दे रहा है।